मैं बस से उतरा और अपने गांव जाने वाले ऑटो या टांगे का इंतजार करने लगा। 15 मिनट बाद संजय और उसकी बीवी दोनों ही दूसरी बस से उतरे। मैं संजय को देखकर थोड़ा हैरान सा हुआ और संजय भी मुझे देखकर। संजय की बीवी संजय से बोली, अरे ये तो ध्रुव भैया खड़े हैं, लगता है शहर से आ गए। अरे ध्रुव भैया, कैसे हो आप? कब आए शहर से? मैंने कहा, जी बस अभी 10 मिनट पहले ही उतरा हूँ। ओ अच्छा, तो घर से कोई लेने नहीं आया? मैंने कहा, मैंने किसी को बताया नहीं अभी। अच्छा, तो चलो हमारे साथ चलो, मेरा भाई गाड़ी लेकर आ रहा है, हम आपको घर छोड़ देंगे। मैंने कहा, नहीं आप लोग जाएं, अभी कोई टांगा या ऑटो मिल जाएगा तो मैं उसमें चला जाऊंगा, आपको मेरी वजह से यूं ही खामखा तकलीफ होगी। अरे नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, आप हमारे साथ चलो। पर संजय ने एक बारी भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। उनका छोटा भाई गाड़ी लेकर आ गया, काफी जिद की उन्होंने साथ चलने की, लेकिन मैं नहीं गया और वो चले गए। मैं बस स्टैंड पर बैठा पुरानी यादों को कुरेदने लग गया। दरअसल मैं चाहते हुए भी संजय के साथ नहीं जाना चाहता था। आज से ठीक 1 साल पहले की वो रात मुझे अच्छी तरह याद है। संजय मेरे पड़ोस में रहता है। मैं संजय को बचपन से ही चाहता था, मन ही मन में उससे प्यार करता था। यूं तो मेरा सारा बचपन उसके साथ ही खेल कूद में निकला, लेकिन कभी भी मैं उससे अपने मन की बात नहीं कह सका। डरता था कि वो मेरी बात से नाराज होगा या बुरा मान जाएगा कि मैं ऐसा लड़का हूं। सूरज ढल चुका था, मैं अपनी छत पर टहल रहा था। संजय अपने आंगन में बैठा अपनी मोटरसाइकिल को धो रहा था। मैंने जोर से आवाज लगाई और कहा, क्यों धो रहे हो मोटरसाइकिल? क्या जरूरत है इतनी मेहनत की? बादल छाए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में बरसात होगी तो अपने आप ही साफ हो जाएगी। तो संजय बोला, बरसात में साबुन तो नहीं गिरेगा ना, वो तो मुझे ही लगाना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है, एक काम करो, मोटरसाइकिल धोकर छत पर आ जाओ, माँ ने चाय और पकोड़े बनाए हैं, आओगे तो फिर एक साथ ही खाएंगे। 15 मिनट बाद संजय मेरी छत पर आ गया। मेरी माँ भी चाय और पकोड़े लेकर आ गई। आते ही मेरी माँ ने संजय से कहा, तुम्हारा तो रिश्ता पक्का हो गया है, कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी, जरा इससे भी पूछ लो कि कोई लड़की देख रखी है इसने या नहीं। हम कोई बात करते हैं तो साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं शादी ही नहीं करूंगा। अब भला ये कोई बात है, शादी क्यों नहीं करेगा? तो संजय मेरी माँ से कहने लगा, मौसी ये तो ऐसे ही बोलता है, आप लड़की ढूंढो इसके लिए, इसकी शादी करवाना मेरा काम। जब मेरी माँ चली गई तो संजय मुझसे पूछने लगा, क्यों भाई तू शादी को मना क्यों करता है? शादी क्यों नहीं करवानी तुझे? किसी से प्यार है तो बोल, अभी उसके घर जाता हूं और तेरी शादी की बात करके आता हूं, तो एक बारी उसका नाम तो बता। मैं चुपचाप बैठा चाय पीते हुए उसकी बातें सुन रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि आज इसको बता ही दूं कि मैं किससे प्यार करता हूं, देखी जाएगी जो भी होगा, रोज रोज ये बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। मैंने चाय का प्याला नीचे रखा और संजय से कहा, संजय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाई बोल। मैं किसी को बचपन से चाहता हूँ, उसे बेहद प्यार करता हूँ, मगर आज तक डर के मारे कभी उसको कुछ नहीं बता पाया। संजय बोला, अरे तू डरता क्यों है? अगर तू उससे सच्चा प्यार करता है और उसे सच्चे दिल से चाहता है तो वो तेरी बात जरूर मानेगी। मैंने कहा, नहीं, हो सकता है वो मेरी बात सुन के मुझे बुरा भला बोले, मुझे गलत समझे, मैं उसे खोना नहीं चाहता, जैसा भी चल रहा है ठीक है, कम से कम मेरे साथ तो है, उससे रोज बात तो कर लेता हूँ, मिल लेता हूँ। अरे ये कौन है जिसे तू रोज मिलता भी है और बात भी करता है? तूने आज तक तो मुझे बताया नहीं, और अगर वो तेरे इतने ही करीब है तो फिर वो तेरी बात का बुरा क्यों मानेगी? और खोना किस लिए है? सच्चा प्यार तो बड़ी मुश्किल से नसीब वालों को ही मिलता है, उसे भी इस बात का जरूर पता होगा। तू मेरी बात मान, अभी चल उसके पास,
तू कहे तो मैं भी चलता हूं, तू नहीं बोलेगा तो मैं उससे बोलता हूं, चल अभी चल, चल चल। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचने लगा। मैंने हाथ छुड़ाया और उसे कहा, तुम्हें उसका नाम सुनना है? उसने कहा, हाँ। संजय, वो तुम हो संजय, तुम जिसे मैं बचपन से चाहता हूं, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूं। हम दोनों खड़े खड़े बारिश में भीग रहे थे और मैं आवेश में आकर ना जाने उससे क्या क्या कह गया। संजय बुत बना मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में मुझे कई जज्बात और सवाल घूर रहे थे। तभी जोर से बिजली कड़की और ठहाके मार के हंसने लगा। अरे तू भी ना, कोई मिला नहीं सुबह से मजाक करने के लिए? मेरे साथ ही मजाक करना था क्या पागल कहीं का? चल नीचे चल, बारिश बहुत हो रही है, भीग जाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो लगता, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने संजय का हाथ पकड़ा और उसे समझाने की कोशिश की। संजय, ऐसा होता है और इसमें कुछ बुरा नहीं है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको मान्यता दे दी है, शहरों में तो अब ये आम बात हो रही है। तुम भूल रहे हो ध्रुव, ये शहर नहीं गांव है और मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है, मैं गे नहीं हूँ। और तुम गे हो? मुझे नहीं पता था, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अब तो मैं तुमसे दूर ही रहूँगा। और ये कहकर संजय जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की तो उसने खींच कर मेरे मुंह पर चांटा मार दिया और कहने लगा, छी कितने गंदे हो तुम, कितने गंदे काम करते हो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ दोस्ती ना करता, मुझे तो तुमसे घिन आने लगी है, थू है तुम पर और तुम्हारी जैसी गंदी सोच पर। और ये कहते कहते वो चला गया। मैं वहीं छत पर खड़ा भीगता रहा और उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर मुझे तो जैसे सदमा लग गया। 2 दिन बाद मैंने उसे मैसेज किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, उसके बाद कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कुछ दिनों में शहर चला जाऊंगा जॉब के लिए, बस एक बार मुझसे मिल लो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, उसके बाद चाहे दोबारा कभी ना मिलना। शाम के समय मैं अपने कमरे में बैठा संजय के बारे में सोच रहा था, तभी संजय आया और कहने लगा, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, क्या बात करनी है आखिरी? मैं उठा और अपनी अलमारी में से एक डब्बा निकाला और संजय को दिया। संजय ने जब डब्बा खोला तो वो हैरत से उसमें पड़े सामान को देखने लगा। मैंने कहा, देख रहे हो संजय, बचपन से तुमसे जुड़ी हुई छोटी बड़ी हर एक चीज को मैंने कैसे संभाल कर रखा है, क्या इसमें तुम्हें कोई बुराई नजर आती है? किसी को प्यार करना क्या गंदा काम है? तुम ही तो उस दिन बोल रहे थे कि अगर प्यार सच्चा है तो वो जरूर मान जाएगी, तुम ही तो बोल रहे थे कि सच्चा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है, और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो क्यों क्यों वो सब बातें तुम भूल गए? किसी को चाहना या ना चाहना अपने हाथ में नहीं होता, ठीक वैसे ही ये सब मेरे हाथ में भी नहीं था। अरे मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि कब तुमसे प्यार हो गया, और ना ही कभी मेरे मन में ख्याल आया कि तुम लड़के हो, पर जो होना था तो हो गया, मैं क्या करता? तुमने मुझे और मेरे प्यार को गंदा बोल दिया, तुम्हें मुझसे घिन आने लग गई क्योंकि मैं एक लड़का हूँ? सिर्फ लड़का होने की वजह से क्या प्यार के एहसास में तब्दीली आ गई? वही प्यार जिसे तुम नसीब से मिलना कहते हो, वही प्यार तुम्हें गाली लगने लग गया? तो ठीक है संजय, ये तुम्हारी गलती नहीं मेरी गलती है और इसे अब मैं ही ठीक करूंगा, मुझे तुम जैसे लड़के से प्यार करना ही नहीं चाहिए था, और अपनी इस भूल को अब मैं सुधारूंगा। मैं माचिस लाया और उस डब्बे को आग लगा दी और संजय से कहा, मुझे तुमसे शायद हमेशा प्यार रहेगा, अगर तुम्हें यह प्यार समझ नहीं आया तो वो तुम्हारी सोच है,
लेकिन मैं अपने प्यार में इतना कमजोर नहीं पड़ सकता कि कोई भी आए मुझे या मेरे प्यार को गाली दे। मेरा प्यार मेरे लिए मेरे स्वाभिमान से ऊपर नहीं है। मेरा स्वाभिमान है तो मैं जिंदा हूँ, वरना मरे समान हूँ। संजय खड़ा खड़ा मेरी बातें सुनता रहा और चुपचाप अपने घर चला गया। और कुछ दिनों बाद मेरी जॉब शहर में लग गई तो मैं शहर आ गया। कुछ महीनों बाद मुझे संजय का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैंने उस दिन तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने एकदम से ऐसी बातें करना शुरू कर दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और फिर मैं अपने बस में नहीं रहा। हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी और गहरी है। मैं तुम्हारे इन जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन अब समय निकल चुका है और जो होना था सो हो गया। मैंने भी रिप्लाई किया और कहा, तुम ठीक बोल रहे हो, समय अब निकल चुका है और काफी आगे भी बढ़ चुका है। मेरी जिंदगी अब ना तो पहले सी रही है और ना ही अब मैं अतीत का कोई भी साया अपने भविष्य पर पड़ने दे सकता हूँ। तुमने जो किया वो शायद मेरे लिए ठीक ही था। तुम ना ऐसा करते और मैं ना शहर आता। तुमने जो मुझे मेरे प्यार के बदले नफरत दी थी, उसी नफरत के सहारे मैं आज अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका हूँ और निरंतर बढ़ते रहना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा कोई मैसेज ना करो। बाय। तभी ऑटो वाला आया। हाँ जी बाबूजी, कहाँ जाना है? मैं एकदम से अपने होश में वापस आया और अपने आसपास देखने लगा। अरे ये मैं कहाँ खो गया था? हाँ भैया, गांव जाना है। और मैं ऑटो में बैठ गया। ऑटो में बैठा बैठा मैं यही सोच रहा था, मेरे लिए मेरी इज्जत और स्वाभिमान मेरे प्यार से बढ़कर था। अपना रास्ता उससे अलग करके मैंने अपनी जिंदगी का सही फैसला लिया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे सही समय पर संभलने की शक्ति दी और आज उसी की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। दोस्तों, इंसान का स्वाभिमान है तो वो जिंदा है, नहीं तो मरे हुए के समान है। प्यार करना कभी बुरा नहीं होता, पर कभी कभी हम गलत आदमी से प्यार कर बैठते हैं। उस वक्त हमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। किसी के प्यार में गुलाम बन के रहने से अच्छा है कि आप अपने दिल और जज्बातों पर काबू रखें और जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दें और सही रास्ता चुनते हुए जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। धन्यवाद।